बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हरूफ को स्वाद के साथ मिला के लिखना सीखेंगे। तो स्वाद के साथ मिला के लिखने से पहले हम देखेंगे कि स्वाद को सिंगल कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, स्वाद को लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी सी तिरछी लाइन लगाएंगे, ये छोटी सी तिरछी लाइन ऊपर को, और आप इसको ऊपर से गोल करेंगे, ऊपर से ये बैंड का गोल कर दिया, और इसके आगे अरबी गिनती का 2 आ जाएगा, अरबी गिनती का 2, ये स्वाद का सिरा बन जाएगा। दोबारा देखिए, तिरछी लाइन ऊपर से गोल और अरबी गिनती का 2, तिरछी लाइन ऊपर से गोल और अरबी गिनती का 2, साथ में शेप ऑफ मून। ये स्वाद बन जाएगा। स्वाद का सिरा छोटा बनाएंगे और इसका दायरा जो है वो थोड़ा बड़ा होगा एज कंपेयर टू सिरा। इसमें हम मिस्टेक्स सुने, छोटे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो स्वाद को ऐसे लिख रहे होते हैं, ये गलत है। स्वाद को गोल नहीं बनाना, स्वाद को तिरछी लाइन लगा के बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बड़े बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जल्दी जल्दी लिखते हैं और स्वाद को ऐसे लंबा कर देते हैं। यहां से स्वाद को लंबा नहीं करेंगे, स्वाद को जहां भी ये सिरा टच होगा गोलाई करके वहां से दायरा लगा देंगे आगे। उसका जो दायरा है उसका पहले वाला किनारा ऊपर होगा और दूसरे वाला किनारा नीचे होगा, पहला किनारा ऊपर और दूसरा किनारा नीचे, ये बे का सिरा। अब ये पैमान आएगा आगे, ये पैमान, और स्वाद इसी के ऊपर ही आ जाएगा। स्वाद के साथ हो जाएगा, तोए के साथ देखिए, ये तोए, ये तिरछी लाइन और स्वाद इसी के ऊपर आ जाएगा। ऐन, ये ऐन का सिरा, ये तिरछी लाइन और स्वाद इसी के ऊपर आ जाएगा, ये तोए और ये तिरछी लाइन और स्वाद इसी के ऊपर आ जाएगा, ये आइन और स्वाद इसी के ऊपर आ जाएगा। ये हम लिखाई पेन पेंसिल और पॉइंटर वाली कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम काट मार्कर वाले लिखाई को शुरू करेंगे। तो ये स्वाद वाले वो हरूफ हैं जिनकी अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। एक एक हरफ को राइट साइड पे मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये बेस्वाद बस, ठीक है, आपने इसको बेटा राइट साइड पे मार्जिन के साथ लिखना है और इसके आगे आगे मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। राइट साइड पे मार्जिन के साथ लिखेंगे और इसकी इसके आगे आगे मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से ये स्वाद वाले हरूफ की आप प्रैक्टिस करेंगे। बेटा प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट। इस दुनिया के अंदर इंसान अगर किसी भी स्किल में महारत चाहता है तो उसकी खूब प्रैक्टिस होती है अपनी उस पर्टिकुलर स्किल के मुताबिक। जैसे माइकल फिलिप्स जो है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो 8 गोल्ड मेडल जीत चुका था और उसका बाजू फ्रैक्चर था और वो स्विमर था, स्विमिंग करता था, तैराकी करता था ओलंपिक्स के अंदर, तो सबने मना कर दिया कि अब आप नहीं जा सकते। तो उसने कहा कि अब तो मैं और कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस को नए अंदाज से करूंगा, बाजू टूटा हुआ है, और उसने अब इतनी प्रैक्टिस की कि वो पांव के जोर पे ही जो है वो तेजी के साथ जो है वो स्विम करना शुरू हो गया। और जब वो मुकाबले के लिए उतरा माइकल फिलिप्स, तो वो बंदा जो है वो जीत गया और दूसरे जो है जो बिल्कुल सही सलामत लोग थे वो उस डिसेबल पर्सन को हरा नहीं सके। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में हर एक चीज थी कि मैंने इतनी दफा पांव हिलाने हैं, उसने कैलकुलेट किया हुआ था इतनी दफा हाथ हिलाने हैं। तो बेटा प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट। शहद की मक्खी 100 फूलों का रस चूसती है तो फिर शहद का एक कतरा बनता है, इसलिए शहद इतना मीठा होता है। तो बेटा आपको भी प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ताकि ये वाली स्किल जो है इस पर आपको खूब महारत आ जाए। थैंक यू वेरी मच।